सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्च में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। सो दोस्तों, आपका जितना भी बैंक है, एसबीआई हो, पीएनबी हो, केनरा बैंक हो, ईटीसी, जितना भी बैंक है, सभी बैंक में गाइस यहाँ पे डिजिटल करेंसी वाला जो फीचर्स है आ चुका है। सो दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर दोस्तों आप भी यहाँ पे डिजिटल करेंसी वाला फीचर्स अगर आप यूज करना चाह रहे हैं तो आप यूज कैसे करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। सो दोस्तों, आज के समय में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताने वाले, करके दिखाने वाले। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो आपको सब लोगों एंड तक स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको वॉच करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने प्ले स्टोर को इस तरीके से ओपन करना है। अब आपको टाइप करना पड़ेगा पीएनबी डिजिटल रुपी। तो दोस्तों, अगर आपका पीएनबी बैंक में अकाउंट है तो आपको पीएनबी डिजिटल रुपी इस तरीके से टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद में कि सब आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। तो दोस्तों, जैसे आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो फाइनली दोस्तों, अभी मेरे फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कुछ सेकंड तक वेट करेंगे जब तक यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों, मेरे फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद में कैसे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है, पीएनबी और यहाँ पे डिजिटल रुपये, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप ओपन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कह रहा है एंटर, तो आपको इंटर पे क्लिक करना है। इंटर पे क्लिक करने के बाद में आपको परमिशन को अलाउ करना। परमिशन को अलाउ करने के बाद में आप जैसे परमिशन को अलाउ कर देंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा। तो आपको टर्म एंड कंडीशन को आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नीचे गए एक्सेप्ट का ऑप्शन था, आपको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, जैसे आप यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, यहाँ पे डिजिटल रुपए इन लीगल टेंडर। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। सो दोस्तों, जैसे आप यहाँ से नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने एनी वॉलेट कैन सेंड एंड कलेक्ट डिजिटल रुपीज, तो आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ से अपने सिम कार्ड को चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा एक यहाँ पे सिम कार्ड लगा हुआ, तो हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों, हम जैसे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों मेरा वेरीफिकेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन लिख करके आएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। क्योंकि गाइस, अभी जो प्रोग्राम है मतलब इनवाइट प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। बट दोस्तों, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, इस तरीके से फीचर्स आपको मिलेगा, तो आपके सामने तरीके से सिम कार्ड चूज करने का ऑप्शन आएगा और आपका वेरिफिकेशन सिम इस तरीके से हो जाएगा, योर सिम कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। इस तरीके से आपका सिम कार्ड वेरीफाई होगा, उसके बाद में आपका यहाँ पे पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा। जब दोस्तों आपका पिन सेट हो जाएगा, उसके बाद में अब आपके सामने इस तरीके से गाइस आपका वॉलेट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अपने वॉलेट को आपको क्रिएट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे लिखेगा योर वॉलेट पिन हैज बीन सेट सक्सेसफुली, मतलब दोस्तों आपके वॉलेट का भी पिन यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद में गाइस अब आपके सामने इस तरीके से आपका यहाँ पे डिजिटल करेंसी जो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है, इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सेंड का ऑप्शन मिलेगा, कलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, लोड का ऑप्शन मिलेगा, रिडीम का ऑप्शन मिलेगा। सो दोस्तों, आप किसी के पास सेंड कर सकते हैं डिजिटल करेंसी, अगर आप कोई आपके पास भेज रहा है तो आप कलेक्ट कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं अपने वॉलेट में और रिडीम भी कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरीके से आपका नोट्स मिलेगा, जैसे 5 रुपए का नोट्स यहाँ पे हमको मिल रहा है और यहाँ पे कॉइन्स भी आपको मिलेगा। सो दोस्तों, जैसे यहाँ पे 50 रुपये का हमको यहाँ पे नोट मिल रहा है, 100 रुपये का नोट मिल रहा है। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको नोट मिलेगा, तो यही है डिजिटल करेंसी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने फोन में पीएनबी बैंक का डिजिटल करेंसी एक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी रेफरल प्रोग्राम चल रहा है, अभी आप एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमको बता दें आपको इस तरीके से एक्टिवेट करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।